इट्स अ न्यू डे न्यू वीडियो न्यू हर्पिंग ट्रिप। तो मतलब मुझे कमेंट में भी बोले कि यार हम लोग को भी हर्पिंग पे लेके चलो। तो ये सब की सारी डिटेल्स जो है आपको इंस्टाग्राम के ऊपर मिलती रहती है। तो जो लोग इंस्टाग्राम के ऊपर है उनकी चांदी है, जो लोग नहीं है तो क्या ही बोलूँ। पर फिर भी मैं वापस एक कम्युनिटी पोस्ट डालता रहूँगा। ये वाली ट्रिप भी बहुत ज़्यादा फन होने वाली है, बहुत सारे लोग हैं फन करने वाले, हम लोग हर्प करने वाले हैं। तो कंटिन्यू करते हैं। अभी तो मैं बस नवी मुंबई में और लोकेशन पर पहुँच रहा हूँ। आपको आज थोड़ा सा इन डिटेल वीडियो बनाता हूँ कि कैसे क्या स्नैक्स है, क्या स्नैक्स मिलते हैं और उनकी प्रॉपर जानकारी, क्योंकि बहुत सारे लोग नए हैं, बहुत सारे लोग नए जुड़े हैं अपने वीडियोस के ऊपर। तो ये वीडियो खास उन्हीं लोग के लिए, पुराने व्यूअर्स के लिए भी ऐसा नहीं पूछा था कि नहीं है, पर पुराने व्यूअर्स लोग ने तो देखी है हर्पिंग ट्रिप कैसी होती है क्या होती है। पर यू नेवर नो कि कुछ हमेशा अनोखा दिख जाए। तो जैसे मुझे भी पता नहीं है, पर लास्ट जो दो ट्रिप हम लोग ने की थी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा अनयूजुअल चीज़ें हुई थी, बहुत ज़्यादा। तो लेट्स होप कि आज भी कुछ तो फैंटास्टिक, कुछ तो ब्यूटीफुल सी चीज़ दिखे या कुछ एडोरेबल चीज़ होए हमारे साथ। फिंगर्स क्रॉस्ड, देखते हैं क्या सीन है। आगे मिलता है आपको, वीडियो कंटिन्यू करो और फिलहाल मोंटाज एंजॉय करो। Matheran it is. So everybody is right now filling up their forms, doing some formalities और बहुत ज़्यादा फन आने वाला है आज के ट्रिप के ऊपर। एक थोड़ा सा कॉमेडी भी हो गया है आज ट्रिप के ऊपर। एक जो हमारे कंटेस्टेंट थे, जो एक हर्पर थे, उनको नेरुल को वो नेरुल समझे और वो नेरुल चले गए। तो नेरुल इज इन नई मुंबई, तो और थोड़ा क्योटिक हो गया, तो वो हमें नेक्स्ट हर्प के ऊपर ज्वाइन कर रहे हैं। आज हम लोग बहुत ज़्यादा लोग हैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं, मतलब इट्स अ गुड क्राउड, बहुत मज़ा आने वाला है। गाइस से हाय टू द व्लॉग। हाय। यो, व्हाट्स अप। चलो लेट्स गो, लेट्स कंटिन्यू पीस आउट। लेट्स गो, ऑल सेट। मार्शल भाई भी आ गए, आपके लिए रुके थे हम लोग व्लॉग में। थैंक यू। किधर है काका, किधर है, सब लोग किधर है? लेट्स गो। चलो गाइस, Okay, Travancore Bull Snake is moving inside. Pretty big size. Beautiful pitfighter. Right here. Bro, नहीं देखा अभी तक। इधर आ, इधर आ, इधर आ जा। गुड, नाइस वॉटिंग। देयर इज अ फ्लावर नेम पलाशी, पलाशा। फ्लावर इन इंडिया और व्हाट? यस, इट इज फाउंड इन इंडिया। द वाइन स्नेक राइट देयर गाइस, आई एम प्रीटी श्योर इट्स नॉट विजिबल इन द कैमरा, बट दिस माइट बी व्हाट I guess fourth of snake. क्या बोलता है ब्रो? कितना स्नेक है? थर्ड वाइन स्नेक, या वाइन स्नेक का थर्ड। हाँ, कॉल के लिए इकडे आ रहा है। सो गाइस कैन सी देयर इज अ पिट वाइपर राइट हियर, इसके अंदर क्लियर दिखेगा। कैसा लगा? कितना कितना पिट है? थर्ड, फोर्थ, फोर्थ है ब्रो। कितना फिफ्थ है? Very nice. Third stop. Again a pit viper right there. Wine snake man. अपने ऑडियंस को ना थोड़ा क्लोज अप दिखा के आता। ने जस्ट एग ले किए, बेबीज ले किए। अभी स्टोरी कार्ड प्रेग्नेंट होती, फोन लेने वाला। अभी ग्रेविट थी हो जाएगा।
छोटा है इसका नोज, एक छोटा है ना, इसका नोज छोटा है, साइड बना लो मेरे लिए, इज अ वाइन स्नेक राइट हियर। So beautiful wine snake. So wine snake are the semi-venomous arboreal snakes. ये semi-venomous होते हैं, इंसानों को कोई harm नहीं है, but these guys can grow up to 6 feet long. This is a pretty decent size green wine snake. तो जो पहले दिखा थी वो बहुत छोटी थी. Look at this neon green color. Very beautiful specimen. Wine snakes are semi-venomous snakes, जैसे मैंने पहले बोला. ये लोग semi-venomous होने के बावजूद भी इंसानों को कोई भी harm नहीं है. ठीक है, दे आर वेरी स्लेंडर, पेड़ों पे रहने वाले स्नेक्स हैं, रात को थोड़ा कम मूवमेंट करते हैं। दिस स्पेसिमेन इज अराउंड 3.5-4 feet लॉन्ग, इसका टेल थोड़ा छोटा है, बट वेरी, एक सेकेंड। कुछ तो स्पॉट हुआ है, लेट्स गो। सो मेरी शटरिंग स्पीड थोड़ी कम ही है। इट्स अ ब्यूटीफुल जुवेनाइल ट्रावेंकोर वुल्फ स्नेक, थोड़ा वार मार दिख रहा है यहाँ पर। ब्यूटीफुल पैटर्न्स। ट्रावेंकोर वुल्फ स्नेक्स आर नॉन वेनमस स्पीसीज ऑफ स्नेक। दिस माइट बी अराउंड अ मंथ ओल्ड, a month or two. So yeah, बहुत harmless रहते हैं, they really love to stay on rocks and cracks. So बहुत अच्छी तरीके से बैठा है, let's go. Alright guys, so this is a green bamboo pit viper. This is one of the most venomous snake found in India. So ये snake जो है ये usually tree पर रहता है, पेड़ के ऊपर रहने वाला viper की species है, और इसको पिट वाइपर इसलिए बोलते हैं बिकॉज इसकी आँख और नाक के बीच में एक पिट होता है। तो मैं आपको इसका एक फ़ोटो आपके साथ हेल्प करने में दिखा देता हूँ। वेरी ब्यूटीफुल स्नैक, मतलब नॉक्टर्नल स्नैक, अभी वो हंट के लिए, तो यहाँ कहीं पे कोई भी फ्रॉग आ जाएगा तो यहाँ से डायरेक्टली स्ट्राइक करके उसे खाएगा। वेरी ब्यूटीफुल, यू कैन आइडेंटिफाई पिट वाइपर बाय इट्स ट्रायंगुलर हेड, थिक बॉडी एंड अ वेरी वेरी टाइनी टेल। ठीक है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। आदर है यहाँ, ये तो कौन इसने मारा है, मार पर्वत पकड़ पकड़ ला आपने, तो कौन है सद्या उन्होंने रावत ला, तो कर रहा है डर ला नहीं छोड़ेंगे। दिस इज अ ब्यूटीफुल रैट स्नेक व्हिच हैज बीन किल्ड बाय द पीपल राइट हियर। इट्स वेरी सैड, इट्स वेरी सैड, यू नो, अगर आप हर पे और आपको डेड स्पेसिमेन मिलते हैं वो भी जिनको किल किया है लोगों ने। सो हियर इज अ ब्यूटीफुल व्हाइट सॉक्स टरांचुला। All right guys, so this is a Deccan banded gecko. मूवमेंट कर रही है वो, बहुत ब्यूटीफुल होती है। इसके ऊपर येलो बैंड्स होते हैं, जैसा इसके नाम में है कि डेक्कन बैंडेड गेको, तो इसके बॉडी के ऊपर ये येलो बैंड्स है। अगर आप इसकी आग देखोगे, इसकी आग बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। आई करती थी मैंने कहा,
वेरी ब्यूटीफुल. सो इंडिया में ऐसे कोई भी लिजर्ड नहीं है जो वेनमस है, ठीक है? तो प्लीज लिजर्ड्स वगैरह को मारो मत. ये ग्राउंड गेको है, मतलब ये जमीन पर रहना पसंद करती है और नॉक्टर्नल है तो रात में एक्टिव है. सो देयर शी गोस. ऑलराइट, सो दिस लिटिल बेबी इज नोन एज द बॉम्बे शील्ड टेल. ये एक स्नेक की स्पीसीज ही है, बहुत जुवेनाइल है. तो शील्ड टेल इसकी वजह से बोलते हैं, इसकी जो टेल है वो एक शील्ड जैसी दिखती है. सो दिस इज अगेन अ ग्राउंड स्नेक, जैसे कि कॉमन सैंड बॉर रहते हैं. सैंड बॉर्स की जितनी भी स्पीसीज रहती है उसकी तरह दिखता है. बड़े होने के बाद ये जो येलो पैटर्न है, ये जो येलो पैटर्न है वो डोमिनेंटली दिखता है. सो दिस इज नोन एज द बॉम्बे शील्ड टेल. वेरी ब्यूटिफुल. कोई नहीं बोला, आप ही बोले. फोटो So one snake is right here. Little checkered in the back. And one snake is right here. It's a wine snake who's sleeping. Fun stuff. Oh. So here we have one of the Asia's most venomous snake. This snake is more venomous than a cobra, than a Russell Swiper. सबसे ज़्यादा मतलब एशिया का सबसे जहरीला सांप. This is known as the common creep. पहचाना बहुत ज़्यादा सिंपल है. हेड के पास से बैंड्स कम रहते हैं, टेल के अलग बढ़ते जाते हैं. वुल्फ स्नेक्स और क्रीट बहुत ज़्यादा सिमिलर दिखते हैं. This is a nocturnal snake. ये जो सांप है सिर्फ दूसरे सांपों को खा के ही जीता है. तो ये जहाँ पर भी मिलता है वहाँ पर ऐसे समझ जाने का कि ऑलरेडी बहुत सारे सांप हैं. सो या दिस स्नेक कंटेंट्स न्यूरोटॉक्सिक वेनम. इसके अंदर न्यूरोटॉक्सिक नाम का जहर रहता है. वेरी ब्यूटीफुल, हाईली वेनमस. पेल ब्लू है ना? ही पेल ब्लू है. ही नाइस. एंड कुठे गेला? मोमेंट ना करू सर, भेटेल बघायला. मोमेंट ना करू मग भेटेल बघायला. There's a big size creep. Alright guys, we are almost at the end of the hut. What's up? सबके चेहरे देख लो. स्टार्टिंग में कैसे आए थे, अभी कैसे है? नासिक बॉयज तो एकदम फ्लिप हो गए आज. प्लस करने का है ना एक? नहीं बस हो गया. पक्का? पक्का. क्या यार क्यों? नेक्स्ट टाइम के लिए भी कुछ तो रहना चाहिए. कल करेंगे. तो रुकू तेरे लिए? चलो चलो फिर. Nothing can stop me, I'm all the way.